डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। वैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यही चीज़ कैलकुलेट की थी, पर वहाँ पे हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट। अब हम एक केस ले रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में चेंज तो आया, पर सिर्फ एक ही बार चेंज आया, हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही बार चेंज आया कैपिटल में, तब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार कैपिटल कम ज़्यादा हुई है तो फिर उसके लिए अगला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। तो देखें, वाणी एंड श्रीप्रिया आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन अप्रैल 1, 2019। तो वाणी और श्रीप्रिया दो पार्टनर हैं, इन दोनों की अप्रैल 1 की यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। वाणी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹50,000 ऑन July 1, 2019। तो July 1 को वाणी की कैपिटल चेंज हो गई। वाणी की पहली कैपिटल 1 लाख रुपया थी April 1 को, जो चेंज हो गई July 1 को, यानी अप्रैल से जून तक 1 लाख कैपिटल रही और जुलाई में चेंज हो गई। वाइल श्रीप्रिया विथड्रू कैपिटल ₹40,000 ऑन 30th November। ऐसे ही श्रीप्रिया की इनिशियल कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, अप्रैल से 30 नवंबर तक यही रही, फिर 30th नवंबर को 40,000 विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल चेंज हो गई, तो श्रीप्रिया का भी कैपिटल चेंज हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। दोनों पार्टनर की एक एक बार कैपिटल चेंज हुई है, जब एक कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर सेम नहीं रही हो, थोड़ा चेंज हो गया हो तो, और एक ही बार चेंज हुआ हो तो इंटरेस्ट कैसे निकालना चाहिए ये हम इसमें सीखेंगे। एंड अल्सो कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, और हम कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले वाणी के लिए ले लेते हैं। वाणीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अप्रैल टू जून वाणी की कैपिटल थी 1 लाख और July 1 को कैपिटल चेंज हो गई थी, तो 1 लाख कैपिटल, इंटरेस्ट की रेट 10%, अप्रैल से जून तक 3 मंथ, तो ये इंटरेस्ट हो गया 2500 रुपीज़ हो गया। उसके बाद में जुलाई से कैपिटल चेंज हो गई, फिर जुलाई से जो कैपिटल चेंज हुई वो फिर बाद में कभी चेंज नहीं हुई, जुलाई से आगे सेम कैपिटल चली, मतलब तो जुलाई से मार्च तक कैपिटल सेम चली, तो उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। कैपिटल 1 लाख थी, 50,000 और लगाई थी तो कैपिटल हो गई 1,50,000, इंटरेस्ट की रेट है 10%, टाइम जुलाई से मार्च तक का 9 मंथ, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 11,000, इंटरेस्ट हो जाएगा 11,250। इस ढंग से वाणी का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2500 प्लस 11,250, मतलब ये हो गया 13,750। ये वाणी का इंटरेस्ट एंड कैपिटल आ गया। ऐसे श्रीप्रिया के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। श्रीप्रियास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो श्रीप्रिया की जो कैपिटल इनिशियल थी अप्रैल में, वो 30th नवंबर को फिर चेंज हो गई थी, यानी जो इनिशियल कैपिटल जो दी हुई है April 1 की, जो कैपिटल दी हुई है वो अप्रैल से November 30 तक चली, वो कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, अप्रैल से नवंबर तक यही कैपिटल बनी रही, अप्रैल से नवंबर तक होते हैं 8 महीने, तो 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया, 13,333 आ गया। उसके बाद में November 30 को कैपिटल चेंज हो गई, इसलिए दिसंबर से फिर साल के एंड में फिर बाद में फिर कैपिटल चेंज नहीं हुई, मार्च तक वही कैपिटल चली, तो दिसंबर से मार्च तक के लिए इंटरेस्ट लगेगा। पहले 2 लाख कैपिटल थी, 40,000 विड्रॉ कर लिए तो 1,60,000 कैपिटल हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दिसंबर से मार्च तक 4 मंथ, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट लगा लेते हैं 1,60,000 पे, तो ये हो जाएगा ₹5,333 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 1 रुपया कम कर लिया था तो अब की बार 1 रुपया बढ़ा लेते हैं, और नहीं भी तो चलेगा, डेसिमल 333 भी लिख सकते हैं। तो इस ढंग से श्रीप्रिया का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 13,333 प्लस 5,334, तो ये हो गया 18,000
669 रुपीस, ठीक, ये आ गया श्रीप्रिया का इंटरेस्ट एंड कैपिटल। अब आते हैं कैपिटल रेशियो पे, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, जब एक ही बार कैपिटल चेंज हुई हो तब कैपिटल रेशियो कैसे निकालना चाहिए वो देखें। तो कैपिटल चेंज जब होती है ना तो कैपिटल का अमाउंट ना लेकर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो कैसे लेंगे देखिए, वाणी, तो वाणी की इनिशियल कैपिटल थी 1 लाख रुपीस, वो 3 महीने के लिए थी, ये बैलेंस 3 महीने के लिए मेंटेन रहा, तो 3 महीने का 1 लाख पर प्रोडक्ट ले लेंगे। ऐसे ही उसके बाद उसकी कैपिटल चेंज होकर 1,50,000 हो गई थी अगले 9 महीने के लिए, तो 1,50,000 9 महीने के लिए मेंटेन रहा, तो 1,50,000 पे 9 मंथ का प्रोडक्ट लेंगे। अब इस प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 16,50,000 रुपीस। उसके बाद सेकंड पार्टनर पे आते हैं यानी श्री प्रिया, श्री प्रिया का भी प्रोडक्ट लेंगे, उसकी इनिशियल कैपिटल थी 2 लाख रुपीस जो कि पहले के 8 महीने के लिए मेंटेन थी, तो 2 लाख पे 8 महीने का प्रोडक्ट ले लेंगे। बाद में कैपिटल 40,000 विड्रा होके 1,60,000 रह गई, अगले 4 महीने यही कैपिटल बनी रही। अब इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट कितना होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट टोटल कर लेते हैं, ये होता है प्रोडक्ट 22,40,000 रुपीस, ठीक, ये दोनों का प्रोडक्ट निकल के आ गया। इस बेसिस पर हम दोनों का कैपिटल रेशो देख लेते हैं कितना होगा, तो 16,50,000 इस टू 22,40,000, देखिए 4-4 0 क्लियर दिख रहा है कट रहे हैं, 165:224। अब इसके आगे कट ही नहीं पाएगा, तो यही कैपिटल रेशो बन गया 164:224, ये कैपिटल रेशो बन गया। तो अगर कैपिटल चेंज नहीं हुई होती तो जो दोनों की इनिशियल कैपिटल दी है उसी का रेशियो निकाल लेते हैं जैसे पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन अगर कैपिटल चेंज हुई है तो प्रोडक्ट रेशियो के हिसाब से कैपिटल रेशियो निकलेगा, ये हमने वो चेक कैलकुलेशन करके देख लिया। अभी तो एक ही बार कैपिटल चेंज हुई वाणी की, सेम श्री प्रिया की भी कैपिटल एक ही बार चेंज हुई, अगर एक से ज़्यादा बार बहुत बार कैपिटल चेंज हो रही हो तो वहाँ पर ऐसे अगर जैसे अभी कैपिटल रेशियो निकाला, जैसे अभी इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकाला, ये मेथड लॉन्ग हो जाएगी वहाँ पे, फिर तो वहाँ पे फिर मेथड चेंज होगी। तो एक से ज़्यादा बार कैपिटल चेंज हुई हो तो कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसके लिए हम अगला लेक्चर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।